तो क्या पाकिस्तान सुधरने की राह पर चल पड़ा है? क्या प्रधानमंत्री की एक डांट पाकिस्तान के काम आ गई? क्या एक डांट से पाकिस्तान समझ गया है? नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। यह हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान से खबर आई है। वो खबर भारत के लिए भी थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ होती है, लगातार वो आतंकवाद इंपोर्ट भारत में करता है, जिसके बाद वो देश के अंदर हमला करते हैं। पुलवामा में क्या हुआ था आप सभी को पता है, ये किस तरह से हमारे 40 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने आरडीएक्स से भरी एक कार सीआरपीएफ की गाड़ी पर दे मारी, जिसके वजह से 40 जवान शहीद हो गए। अब पाकिस्तान एक दिन पहले ही बिश्केक में था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो अपनी तमीज भूल गए थे, वहीं पर मौजूद थे। उसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण से पाकिस्तान को स्तब्ध कर दिया था। इमरान खान के मुंह पर जिस तरह की नसीहत प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी, वो लगता है उनकी समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर संदेश दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से एक छोटा सा ही सही, अंदर खाने ही सही, लेकिन कुछ सुनने को मिला है। क्या वो आपको बता दूं? दरअसल पाकिस्तान ने पुलवामा जिले में हमले की आशंका को लेकर भारत के साथ जानकारी साझा की है। यह हमला अवंतीपोरा में हो सकता है। श्रीनगर के एक अधिकारी ने द संडे एक्सप्रेस से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि इससे पहले बिश्केक में एससीओ समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग से कहा था कि बातचीत से पहले वो पाकिस्तान को सुधार लें, क्योंकि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। यानी पाकिस्तान को साफ संदेश था, और उस संदेश के कुछ ही दिन बाद या कहें कि कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के साथ जानकारी साझा की है, उससे अब भारत को फायदा जरूर हो सकता है। भारत उस हमले को रोक सकता है, क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान से ही भारत में प्रवेश करते हैं और पाकिस्तान उनकी हर गतिविधि को पहले से ही जानता है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। गृह मंत्रालय में लगातार मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जारी कर दीजिए और वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी होने चाहिए। ऐसे में अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा, और जिस तरीके से वो हमले की तैयारी में लगे हैं, वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से भी तैयारी पूरी है। दरअसल ये हमले की योजना जाकिर मूसा की मौत का बदला लेने के लिए हो रही है। जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने जाकिर मूसा को मौत के घाट उतारा था, उसके बाद अब आतंकवादी उसकी मौत का बदला लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायोग और अमेरिका के साथ इस जानकारी को साझा कर लिया गया है। देखना होगा कि भारतीय खुफिया एजेंसी किस तरह से इस हमले को रोकती है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन एक बात कहनी सही होगी कि पाकिस्तान जिस तरीके से अब इस तरीके की जानकारी को साझा कर रहा है, क्या उसके पीछे भी उसकी कोई और मंशा है? क्या सिर्फ ये उसका दिखावा है, या वाकई वो आतंकवाद को खत्म करना चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक हिंदुस्तान की पीठ में सिर्फ छुरा घोंपा है, और अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की इज्जत को तार तार कर दिया था बिश्केक में, उसे देखकर अब पाकिस्तान कुछ समझ जरूर रहा होगा। हालांकि उनके देश के आतंकवादियों का जो सपना है, वो कभी पूरा हो नहीं सकता। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कर घंटी दबाइए। नमस्कार।